सभी दोस्त मेरी राम राम। आज इन क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड में उठाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 9827500172499। इसका आंसर क्या होगा? 4767752322। ठीक है, मैं समझ लेता हूँ ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे देखिए 9827571 में सिक्स डिजिट है, तो यहाँ पे जो नाइन वाली संख्या है उसमें भी सिक्स डिजिट होनी चाहिए, मतलब बराबर के डिजिट होने चाहिए। इधर चार डिजिट है तो नाइन वाली जो संख्या है उसमें भी चार डिजिट होने चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल है ये मेथड। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 9827571 में इसे एक कम किया तो कितना आया? 9827501। अब आगे वाली सिक्स डिजिट है वो कैसे आएंगे? यहाँ से जो भी डिजिट है इनिशियली उसमें अपन क्या ऐड करें कि दोनों का योग नाइन हो जाए। जैसे नाइन में क्या ऐड करूँ? जीरो, कि डिजिट का योग क्या हो जाए? नाइन हो जाए। अब एट में क्या ऐड करना है मेरे को? एट में वन ऐड कर दूँ कि दोनों का योग नाइन हो जाए। इसी प्रकार से टू में क्या ऐड करूँ? सेवन, कि दोनों का योग नाइन हो जाए। सेवन में टू, फाइव में क्या ऐड करूँ? फोर, कि दोनों का योग नाइन हो जाए। यहाँ पे जीरो में क्या ऐड करूँ? नाइन। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी दे सकते हैं, जैसे इसमें से एक कम किया तो कितना आया? 9827501। अब यहाँ पे नाइन में क्या ऐड करूँ कि डिजिट कि इनका योग नाइन हो जाए दोनों डिजिट का? जीरो। एट में वन ऐड कर दूँ, दोनों का नाइन हो जाएगा। सेवन टू में क्या करूँ? सेवन ऐड कर दूँ, और सेवन में कितना? टू। फाइव में कितना ऐड करूँ? फोर, कि दोनों का योग नाइन हो जाए। या जीरो में कितना? नाइन। अब इसको अरेंज कर देंगे, ये ऊपर वाली संख्या आगे आ जाएगी, ये नीचे वाली इसके पीछे आ जाएगी। 9827501, ये 0 1 7 2 4 9 लास्ट में आ जाएगा। 0 1 7 2 4 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको देखते हैं, 4767771, इसमें से एक कम कर दिया। अब दोनों डिजिट का एडिशन कितना होना चाहिए? नाइन। फोर में क्या ऐड करें? फाइव, और सेवन में टू, सिक्स में थ्री, सेवन में टू, फिर सेवन में टू। अब इनको अरेंज कर देंगे, ऊपर वाली संख्या आगे आ जाएगी। 4767752322, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या 75 में टू डिजिट है, 999 में तीन डिजिट है, तो जितने डिजिट हैं 75 में कितने? दो, और यहाँ पे तीन है, तो कितने एक्स्ट्रा हो गई 999 में? एक, नाइन एक्स्ट्रा हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 75 में से एक कम करेंगे, कितना है? 74। ठीक है, अब जो नाइन अधिक है उतने नाइन यहाँ पे लिख देंगे 74 के बाद में। यहाँ पे कितना अधिक है? एक, तो यहाँ पे 19 आ गया। अब ये 75 में कितना बेस है? 75 में टू डिजिट है, 75 में टू डिजिट है, इसलिए बेस क्या हो जाएगा? 100। 100 में से 75 कम किया तो कितना आया? 25। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका एक और एग्जांपल है, 498 को 6 टाइम्स 9 है, उसे मल्टीप्लाई करना है। तो अपन क्या करेंगे, 498 में से एक कम किया तो कितना आया? 497। अब 498 में थ्री डिजिट है, ये तीन, एक्स्ट्रा कितने नाइन है? तीन नाइन है, तो 497 के बाद में एक्स्ट्रा तीन नाइन यहाँ पे लिख देंगे। अब 498 में कितने डिजिट हैं? तीन, तो यहाँ पे बेस क्या बन जाएगा? 1000। ठीक है, 1000 में से 498 को कम किया, वो लास्ट में उतार देंगे, तो कितना आएगा? 502। ठीक है, इसका एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। इसमें देखिए ये 589 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे? जो 5989 है उसके आगे दो जीरो लगा देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो डिजिट है, जैसे 589 में थ्री डिजिट है, वो ज़्यादा है 99 से, तो
इस वाले केस में क्या करेंगे, लास्ट में जितने 9 है उतने 0 लगा दिए और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 589 को, तो आंसर क्या आ जाएगा 58311।